जय हिंद मित्रों, सब कैसे हैं? सभी अच्छे ही होंगे। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को नमस्कार। तो उदयपुर के आज फतेह सागर का दृश्य एक बार फिर बताऊँ, दो दिन पहले बरसात हुई थी, बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिख रहा है और फिर एक बार पानी बहता हुआ जो है जा रहा है और अभी आप देखें कि पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है, पूरा पानी भरा हुआ है और नया पानी जब आया है तो नई नई कपड़ी जो कांजी है वो दिखाई दे रही है। कुल मिला के हम कहें तो उदयपुर के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि पानी लगातार आ रहा है और इस पानी को ज़्यादा से ज़्यादा हमें संरक्षण करने की ज़रूरत है, इसको हमें बचाने की ज़रूरत है। पानी देखिए कितना अमूल्य होता है, पानी बहकर अगर चला जाता है तो एक बार पुल से पानी ऊपर चला जाता है तो वापस नहीं आता, ऐसा कहाँ से कहते हैं, तो वास्तव में सार्थक ही करना चाहिए। ये देखिए पानी कितना सुंदर तरीके से जो है पानी जा रहा है, ऐसा बिल्कुल इतना गजब तरीके से पानी जो है वो जा रहा है। अब इस पानी को क्या कहेंगे आप? देखिए प्रकृति ने अपना नियम अपना काम पूरा किया है, अब लोगों की बारी है कि वो इस पानी को सवारे, साफ सुथरा रखे, अच्छा बनाए। हेलो, और जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचाने का अधिकारी काम करे। अब उनको वक्त आ गया है कि जहाँ जहाँ पानी की समस्या है, आज भी जिलों की नगरी में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी नहीं है और जल आपूर्ति नहीं होती है, वहाँ पे पानी पहुँचाने का काम करे। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो आप देखें कि फतेह सागर और पानी के किनारे कितना जो है आनंद हो रहा है और ये होना चाहिए, आनंद ही सबसे बड़ा है। तो उदयपुर के सुप्रसिद्ध फतेह सागर का दृश्य आप देख रहे थे और आज 10 अक्टूबर है और कल आपको मैं राजसमंद ले जाऊंगा। राजसमंद में कल महाराणा राज सिंह जी के जन्म जयंती के उपलक्ष में जो 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, उनकी भव्य जयंती मनाई जा रही है, उस भव्य जयंती में मैं आपको ले चलूंगा और वहाँ की जानकारी भी मैं आपको जरूर दूंगा। और आज उदयपुर में जो खबरें हैं, छोटी बड़ी खबरें काफ़ी, आज यहाँ पे भी प्रसंग होने वाले हैं, धार्मिक कार्यक्रम होने वाले हैं, उनकी जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहे, आपको एक से बढ़कर एक जानकारी आपको चैनल पे मिलती रहेगी। बड़ी संख्या में आप व्यूवर्स जुड़े हुए हैं लेकिन सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपके इस भाई को एक प्रशस्ति पत्र ख्याति मिल सकती है। 5,50,000 लोग देखने वाले हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कई लोगों ने अभी 5,500 लोग सब्सक्राइब है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो आपके इस भाई को सिल्वर बटन, गोल्डन बटन, पता नहीं कौन कौन से बटन होते हैं, वो बटन दबाने का तो मिल ही जाएगा। तो निवेदन है कि आप इस बटन को दबाएँ और आपके इस भाई को गोल्डन, सिल्वर, जैसा भी बटन आप चाहते हैं वो आप दिला सकते हैं। तो आशा है कि आप पूरा सहयोग करेंगे और प्रेम भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, आपका पूरा प्रेम स्नेह बहुत ही अच्छे से मिल रहा है और ये प्रेम स्नेह ही सबसे बड़ी दौलत है। बटन मिले ना मिले कोई बात नहीं लेकिन आपका प्रेम मिलता रहे, बस यही बात है। तो बने रहे चैनल के साथ, देखते रहे खूबसूरत से खूबसूरत वीडियो, चाहे संस्कृति की हो, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, हर वीडियो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं और इस काम को भी करता हूँ, बहुत पारदर्शिता से करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ और उसके सकारात्मक परिणाम भी आते हैं। चाहे धरोहर जर्जर हो रही है, धरोहर ख़राब हो रही है, कोई समस्या हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी बात हो तो मैं उसको बहुत ही प्रमुखता से उठाता हूँ और प्रमुखता से उठाने के बाद भी उस काम को पूरा भी करता हूँ। किसी गरीब के साथ अत्याचार हो रहा तो उस बात को भी लेकर उसकी लड़ाई में भी संघर्ष करता रहता हूँ और आप सारे वीडियो मेरे देखते रहते हैं, ये बहुत बड़े प्रेम और मित्रता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।